Hello friends, in this video we are going to learn the importance of meeting. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी कंपनी में मीटिंग हो रही है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस मीटिंग का होना क्यों जरूरी है या इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर टू कम टुगेदर। सो बेसिकली यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी मेंबर्स की कि वो कम टुगेदर यानी एक साथ एक जगह जमा हो सके। सो बेसिकली बात करें कि हमारी जो कंपनी है जिसे हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। अब बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और जो शेयर होल्डर है वो अलग अलग लोकेशंस पर रहते हैं यानी बहुत स्कैटर्ड होते हैं। तो जब वो अलग अलग लोकेशन पर रहते हैं तो वो अपने अपने काम में बिजी होते हैं। जब वो अपने अपने कामों में बिजी होंगे तो वो कभी कंपनी में आते नहीं हैं, वो ज़्यादातर कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो जब वो कंपनी में ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होते तो कंपनी में मीटिंग बुलाई जाती है क्योंकि कंपनी के बहुत सारे मैटर्स हैं, इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे के सारे शेयर होल्डर्स को एक मीटिंग में बुलाया जाता है। जब मीटिंग में सारे शेयर होल्डर को बुलाया जाएगा तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे शेयर होल्डर हैं एक जगह क्या होंगे, गैदर होंगे, जमा होंगे। तो जब सारे के सारे शेयर होल्डर एक जगह गैदर होंगे, जमा होंगे किसी मीटिंग के अंदर, तो उस केस में सारे के सारे शेयर होल्डर एक दूसरे को जान पहचानेंगे कि हमारी कंपनी में कौन कौन जो है मेंबर्स हैं, कौन कौन जो है वो शेयर होल्डर हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, प्रीवियस मीटिंग मतलब जो इससे पहले मीटिंग हुई थी। तो जो हमारी लास्ट मीटिंग थी उस मीटिंग में क्या बात हुई है उसके मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि जो लास्ट मीटिंग है उसमें जो पॉइंट डिस्कस हुए वो एक बुक में लिखा जाता है जिसे मिनट्स बुक कहते हैं। वो मिनट्स बुक के अंदर हम लोग सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो लास्ट मीटिंग में हुई थी। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी में जो प्रीवियस मीटिंग थी उसकी जो मिनट्स है वो मिनट्स को पहले रीड किया जाएगा। तो जब कंपनी की ये जो मीटिंग आज की है वो मीटिंग अगर हेल्ड की गई है तो उस मीटिंग में सबसे पहले प्रीवियस मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन को रीड किया जाएगा। तो प्रीवियस मीटिंग का जब डिस्कशन रीड किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो ऐसे शेयर होल्डर या ऐसे मेंबर्स होंगे जो प्रीवियस मीटिंग को अटेंड नहीं किए थे उन लोगों को भी ये बात मालूम पड़ जाएगी कि लास्ट मीटिंग में किस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था। तो जब प्रीवियस मीटिंग का मिनट्स जो है इस मीटिंग में रीड होगा, डिस्कस होगा, तो उस केस में सारे शेयर होल्डर्स या सारे मेंबर्स या जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको ये बात मालूम पड़ जाएगी कि प्रीवियस मीटिंग में जिसमें वो खुद नहीं आया था उसमें क्या बातों पर डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम। सो बेसिकली जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है या शेयर होल्डर की मीटिंग है उसमें फिक्सेशन होगा यानी फिक्स किया जाएगा या इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि कंपनी के कौन कौन से प्लान और कौन कौन से पॉलिसीज हैं जिसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है और वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। तो कंपनी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि जो प्लान एंड पॉलिसीज हमने बनाई है वो प्लान एंड पॉलिसीज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर उन प्लान एंड पॉलिसीज को कब इम्प्लीमेंट करना है, कब से उसको लागू करना है, ये डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में बेसिकली बात करें कि कंपनी में जो बेसिकली मीटिंग्स बुलाई जाती है उस मीटिंग को बुलाने का पर्पज़ यही होता है कि हमारी कंपनी में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सो हमारी कंपनी का जो मीटिंग है वो मीटिंग का पर्पज़ रखा गया कि अगर कंपनी में किसी तरह का कोई इश्यूज़ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सारे शेयर होल्डर को या डायरेक्टर्स को एक जगह बुलाया जाएगा मीटिंग में, और मीटिंग में बुलाने के बाद उनसे डिस्कस किया जाएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो सब अपने अपने राय देंगे, अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, अपने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, सब अपने अपनी राय, अपना अपना ओपिनियन देंगे, तो उस केस में एक फाइनली जो है लास्ट में डिसीजन लिया जाएगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी में जब भी कोई मीटिंग बुलाई जाएगी तो बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होता है। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी की जो मीटिंग है उस मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना भी कंपलसरी है। सो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कभी किसी कंपनी की मीटिंग बुलाना है तो मीटिंग से पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, नोटिस के साथ में एजेंडा जाएगा, मीटिंग में जब लोग प्रेजेंट होंगे तो चेक करना होगा कोरम है या नहीं है, बीच में कोरम को अमेंड किया जा सकता है, रेजोल्यूशन पास होगा, वोटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर चेयरमैन होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट है
वो लीगल रिक्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, तब जाके मीटिंग जो है प्रॉपरली कंडक्ट हो सकेगी। तो किसी भी मीटिंग के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो लीगल रिक्वायरमेंट को कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फुलफिल करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है अदर एलिमेंट्स। हम बात करेंगे यहाँ पर अदर एलिमेंट्स में कि कंपनी में बहुत सारी मीटिंग्स होती है, उसमें क्या होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके साथ साथ बहुत सारी रिपोर्टें हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, ऑडिटर की रिपोर्ट हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे क्या होता है, डिस्कशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर सारे के सारे शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स जो है बैठेंगे और उन रिपोर्ट्स पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का या ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, तो कंपनी ने साल भर क्या परफॉर्मेंस किया, कैसे ट्रांजेक्शन किए, कितना कंपनी के पास एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है कंपनी में फाइनली डिस्कशन होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी कंपनी के जो मीटिंग्स है उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके जो है खासियतें हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।